वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ मेकअप चैलेंज। आप इस वीडियो में बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। आज मैं अपना करूंगी फुल मेकअप। अब आप सोच रहे होंगे कि फुल मेकअप करना है तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ है, क्यों नहीं है, क्योंकि आज मैं यूज करूंगी केवल 2 मेकअप प्रोडक्ट और उससे अपना फुल मेकअप करूंगी। तो देखते हैं कि ये मेकअप मैं कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरा फर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले रही हूँ मैबिन का फिट मी फाउंडेशन और थोड़ा सा हैंड पे निकाल लूंगी। मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ, आपने जो भी मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं हैंड पे निकाल लेती हूँ तब अप्लाई। आप देख सकते हो मैंने फाउंडेशन निकाल लिया है, तो अप्लाई करते हैं। और आज आपको बैकग्राउंड जो थोड़ा से चेंज मिलेगा, क्योंकि आज फ्रेंड्स मेरी तबीयत नहीं सही थी तो मैंने सोचा कि आज इस वाले रूम में बना लेते हैं। तो मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हैंड से भी कर सकते हो। और ये मेकअप ऐसा है जो आप जो एवरीडे भी कर सकते हो। बहुत आप चाहो तो इसे जो है बीबी क्रीम से भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास फाउंडेशन नहीं होता है तो बीबी क्रीम होती है, तो आप उससे भी अपना जो है मेकअप कर सकते हो बहुत आराम से। केवल 2 प्रोडक्ट से तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं फिर से फाउंडेशन लूंगी, लिटिल बिट लूंगी, बस इतना इनफ है। तो लेके मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूंगी, अंडर आई पे अप्लाई करूंगी। जिनके डार्क सर्कल हैं वो ये ट्रिक कर सकते हैं और बहुत ज्यादा वर्क करती है ये। देख सकते हैं कितना फर्क आ गया है पहले आई में और अब। और अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हैं तो आप 2 से 3 बार फाउंडेशन लीजिए या बीबी क्रीम यूज कर रहे हो तो वो लीजिए, आराम से कवर हो जाते हैं आपके डार्क सर्कल। फर्क आप देख सकते हो। तो सेकंड प्रोडक्ट है हमारा लिपस्टिक। तो मैंने न्यू शेड की लिपस्टिक पिक की, आप किसी भी शेड की पिक कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता हो शेड वो पिक कर सकते हो। मैं थोड़ा सा अपने आईलिड पे अप्लाई करूंगी और फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। तो आप देख सकते हो दोनों आई में फर्क कितना है। बहुत लाइट से अप्लाई किया, आप चाहो तो डार्क भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों आई पे अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, थोड़ा से शेड लूंगी वही लिपस्टिक का और 1 डॉट रखूंगी और लिटिल बिट बस इसको स्मच कर दूंगी। इससे आपकी आई लुक जो है ना बहुत अच्छी आ जाएगी। आप देख सकते हो ज्यादा नहीं लिया है और फिंगर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर दूंगी। आप देख सकते हो कितना फर्क लग रहा है। नेक्स्ट मैं इसी से ब्लश अप्लाई करूंगी। बहुत लाइट सा इसको ब्लेंड करूंगी फिंगर की हेल्प से। आज स्माइल कीजिए और ऐसे डैब डैब कर लीजिए, बिल्कुल नेचुरल लुक लग गएगा। इसीलिए मैंने न्यूड शेड लिया है, न्यूड शेड जो है नेचुरल लुक देता है। तो मैंने अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट मैं लूंगी यही फाउंडेशन और थोड़ा से हैंड पे कर लूंगी बस इतना से।
अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अभी आप देखिएगा, इससे आपके फेस के जो शेप्स हैं वो अलग से पता चलेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्टोर तो कर नहीं रहे हैं। तो मेरा फेस है चबी चबी, तो ये ट्रिक भी बहुत काम आती है। जो लोग चबी चबी हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये वर्क करती है। अभी आप देखिएगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर अप्लाई करना है नोज़ की इस साइड पे। ये बहुत वर्क करती है, आपको पता है जिनकी नोज़ जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है वो इस साइड इस तरह से कर सकते हैं। बस अब हमें ब्लेंड करना है इसको इस तरह से, इस मोशन में हमको ब्लेंड करना है। आप देखिएगा, अभी फेस के आपको शेप्स पता चलेंगे अलग से, जबकि हम लोग ने कोई भी कॉन्टोर वाली चीज़ नहीं यूज़ की है, ना कॉन्टोर पाउडर ना कॉन्टोर स्टिक यूज़ की, केवल फाउंडेशन से कॉन्टोरिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, तो आप शेप देख सकते हो कितना चेंज हो गया है। देखिए, केवल फाउंडेशन से मैंने कॉन्टोरिंग की है। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी यही लिपस्टिक। आप चाहो तो अलग शेड भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं चैलेंज कर रही हूं तो इसलिए मैंने केवल एक ही शेड लिया है। आई होप आपको ये मेकअप चैलेंज अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और मेरे ख्याल से आपको इससे हेल्प भी मिली होगी, क्योंकि बहुत से लोगों के पास मेकअप प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो कम से कम मेकअप प्रोडक्ट में अपना किस तरह से मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं सिंपल और इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेकअप चैलेंज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए